सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। ओला S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद कंपनी ने दावा किया था कि दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और कुछ ही दिनों में ओला को 90,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बुकिंग मिली है। इसके बाद 15 दिसंबर से कंपनी ने इन स्कूटर के पहले बैच की डिलीवरी शुरू की। हालांकि रविवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन यानी FADA के अध्यक्ष विंकेश रुलाटी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि 30 दिसंबर तक ओला ने 111 इलेक्ट्रिक स्कूटर वितरित किए हैं। ये डेटा केंद्र के वाहन पोर्टल का है। गुलाटी के ट्वीट से पहले तक कंपनी ने डिलीवरी का कोई सटीक डेटा शेयर नहीं किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी ओर से एक बयान भी जारी किया है। आपको बता दें FADA अध्यक्ष गुलाटी ने ट्विटर पर जो डेटा साझा किया था उसके अनुसार ओला इलेक्ट्रिक ने ज्यादातर स्कूटर कर्नाटक और तमिलनाडु में डिलीवर किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि डिलीवर किए गए 111 इलेक्ट्रिक स्कूटर में से 60 कर्नाटक, 25 तमिलनाडु, 15 महाराष्ट्र और 11 राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले हफ्ते शुक्रवार को ओला इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक और CEO भाविश अग्रवाल ने कहा था कि कंपनी ने S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के पहले बैच की सभी यूनिट को शिप कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि उस समय इसमें से कुछ ट्रांजिट में थे और ज्यादातर पहले ही डिलीवरी सेंटर पर RTO रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उम्मीद से ज्यादा समय लगने की बात भी कही और इसके पीछे का कारण पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस बताया। अग्रवाल ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तेज होगा। इसी के साथ गुलाटी ने भी अपने ट्वीट में RTO प्रोसेस की बात कही, लेकिन साथ ही ये आशंका भी जताई है कि बुकिंग और डिलीवरी के बीच में अंतर मार्केटिंग स्टंट हो सकता है। उन्होंने लिखा, क्या डायरेक्ट टू कस्टमर कॉन्सेप्ट बड़ी बाधा बन रहा है? क्या ये वास्तविक है या सिर्फ एक मीडिया स्टार्टअप हाइप है? आपको बता दें, एक स्टेटमेंट में ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अरुण सिरदेशमुख ने कहा, हमने दिसंबर में लगभग 4,000 स्कूटरों को ग्राहकों की डिलीवरी के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और टेक की खबरों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।